अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, खानपुर का जो एरिया है उधर माल्टे के बागात जो हैं वो हज़ारों के हिसाब से हैं। तो इधर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको जब भी आप आएंगे सीज़न में तो आपको फ्रेश फ्रेश जो है वो माल्टे मिलेंगे। तो ये अभी मैंने एक माल्टा काट के अपने हाथ में ये देखें रखा हुआ है। तो इधर आने का मकसद ये है जी कि ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इस गांव का नाम है मोहरा सरदार बेग। तो यहाँ के जो मकामी जो मुग़ल हैं उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया, क्योंकि इस एरिया में जो है ना वो जितने भी मुग़ल हैं वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। तो जब भी कोई इवेंट होता है या कोई मौका होता है तो मुझे लाजमी बुलाते हैं। तो आज अपने मुग़ल भाइयों की दावत पर मैं आया हूं, और ये जो गांव है इसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसका नाम कब से है और क्यों है। तो अभी मैं आपके सामने जो है वो एक माल्टा चेक करता हूं। ये रेड ब्लड है, ये देखें हल्का सा आपको रेडिश दिखाई दे रहा होगा। अभी अभी उतारा है जी हमने, सही रहता कट के दे। वाह, और यहाँ के जो ऑनर हैं वो बार बार कह रहे हैं जी कि हमें इनको रेड काट के दें। ये देखें आज मैं अकेला हूँ, तो जिनका बाग है वो बेचारे उन्होंने अपने हाथ में कैमरा उठाया हुआ है और मैं जो है ना वो आपसे बात कर रहा हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नसीर साहब हैं, मैं अभी माल्टे खाता हूँ और फिर आपको पूरे बाग की मैं सैर भी कराऊंगा और इस गांव के मुतलक जो है ना वो कुछ मालूमात भी आपको फराहम करूंगा थोड़ी देर में। नाज़रीन, ये जो आपको नाली दिखाई दे रही है ये वाली, तो ये पानी जो है ये आ रहा है जी खानपुर डैम से। तो खानपुर डैम का पानी जो है वो इन बागात को सैराब करता है, जैसा कि मैंने आपको खानपुर की वीडियो में बताया था। नाज़रीन, मेरे कप में जो आपको छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं ये लहसुन के हैं। तो यहाँ जो है वो लहसुन का के काफ़ी खेत हैं जो मैंने देखे हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। लहसुन के खेत, बड़ा खूबसूरत एरिया है ये, बहुत प्यारा। नाज़रीन, बेग साहब मुझे अपने डेरे पे लेके आए और डेरे पे आके मैंने देखा है कि मुख्तलिफ भैंसें भी हैं इधर, और जो मुर्गियां हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं। मैं आपको अभी मुर्गियां दिखाता हूँ, बड़ी यूनिक सी नस्ल है मुर्गियों की।
ناظرین باغ کی سیر کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آیا ہوں ادھر اپنے جو ہمارے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے گھر جاوید بیگ صاحب مرزا جاوید بیگ صاحب تو انہوں نے جو ہے وہ آج دعوت کا اہتمام کیا میرے لیے کیونکہ اس ایریا میں جو مغل برادری ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ان سب کے گھروں میں آنا تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب کوئی بھائی مجھے بہت زیادہ فورس کرتا ہے پھر میں آ جاتا ہوں تھینک یو ویری مچ جی آپ نے انوائٹ کیا مجھے تو ناظرین یہ جو گاؤں ہے اس کا نام جو ہے وہ موڑا سردار بیگ ہے ان کے جو بزرگ تھے یعنی جو پردادا تھے وہ ادھر آ کے آباد ہوئے پھر انہی کے نام سے جو ہے وہ اس گاؤں کا نام منسوخ کر دیا گیا تو دور اب میں کیا کہوں اس پہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ کس بادشاہ کا دور تھا کس دور میں آئے یہ میں کیونکہ کچھ اور بزرگ جو ہیں وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہیں جن سے میں گپ شپ کرتا لیکن چونکہ اب ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا رشتہ بن چکا ہے تو میں ادھر آتا رہوں گا ٹائم ٹو ٹائم ابھی آگے جو ہے وہ سیزن آئے گا لوکاٹ کا پھر سیزن آئے گا لیچی کا تو ان کے اپنے باغات بھی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہی بات ہے نا جی گاؤں کی میں نے صحیح بتایا جی بالکل صحیح ہے تو ناظرین آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو ملیں گے انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم کسی اور جگہ کسی نئے باغ میں یا کسی تاریخی مقام پر تب تک کے لیے اللہ حافظ